तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऋषभ वर्मा नाम के चैनल पे। और आपको पता है यहाँ क्या होता है। तो दोस्तों, कल जैसा कि सबको पता है 14th फेब था, हमारे लिए एक बुरा दिन भी बोल सकते हो, जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था। तो उसके लिए हम गए थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने। तो वहां पर हमें कोई मिला जो बहुत मेहनती था और फिजिक्स से इतना अच्छा नहीं था, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। देखिए इस वीडियो को पूरी और जितना सपोर्ट हो सके उतना करिए। ग्राम 5 ग्राम भी होगा तो बता, जैसे 50 बता सकता था, नहीं बता 15। अच्छा 10 5 ग्राम भी बताता। हाँ। अच्छा दादा ये बताओ, आप जैसे अभी हमने वेट आप अपना किया, आप कितने पैसे लेते हो इसके? 5 रुपए लेते हैं। 5 रुपए और नहीं कोई देता तो हम लड़ते नहीं है। कोई कोई नहीं देता है, नहीं देता है, मोल तोल करता होगा। मोल तोल दे दे, नहीं दे दिया तो फ्री भी चला जाए तो भी कोई बात नहीं है। दे दे, ना दे दे नहीं की बात। कोई उधार कर जाता है, उधार वाला कभी कोई आता ही नहीं है देने। उधार वाला लोग उधार कर जाते हैं, देने कल नहीं देंगे या परसों नहीं, वो देते ही नहीं। आप ये दिखाइए, आपके हाथ में कुछ है, इसको थोड़ा ऊपर कर लोगे दादा? नहीं नहीं बस थोड़ा शर्ट का बटन खोल लेते हैं। ये आपका कैसे? अरे 5 बार ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बिगाड़ दिया भैया। 5 बार ऑपरेशन? हाँ 80,000 रुपया भी खर्च दिया। और वो पैसा आपने मेहनत से कमाया होगा इधर? क्या बताया सर, जो रखा था बस। तो ये कैसे हुआ था? जीना से गिर गए थे तो टूट गए, इसके हाथ के बाहर गिरे। तो अब ये ठीक नहीं हो सकता? डॉक्टर तो सब जवाब दे दिए, नहीं 5 बार उन्होंने कह दिया, ऑपरेशन कर दिया, नहीं ठीक। बस ये प्लेट पड़ी थी इसमें, 8-8 हज़ार की प्लेटें पड़ी, 4 बार निकाली गई, नहीं ठीक है, बहुत दर्द कर रहा। अब निकाल दिया तो तना आराम है हमें। और पैर में आप बता रहे थे कुछ? पैर में बहुत दिक्कत, दोनों में चोट है पैर में। आप मतलब आपके घर पे कौन कौन है? अब हमारे घर वाली है हम। और घर पे मतलब बच्चे? बच्चे बच्चे 4 लड़के खत्म हो गए। 4 लड़के खत्म हो गए? हाँ, जवान जवान हो गए। कैसे? बड़ा लड़का गांव में गोली मार दी थी उसको मोहल्ले वालों ने। बहुत सीधा लड़का था, बहुत सीधा था, अब क्या बताएं। तो अभी मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी जो है वो आप पे है, हमारे ऊपर है, क्या है? और इसमें जो आप वजन करके 5 रुपए लोगों से लेते हो, कुछ कुछ उधार भी कर देते हैं। अरे नहीं देते, वो तो समझिए गए ही वो तो। तो आप इसमें कितना कमा लेते हो? कभी 100 कभी 150। आज को जो है बिल्कुल ना हो पाया, पुलिस वाले सामने बैठ गए, अब तोले नहीं आ रहे कोई। नहीं 200-300 हो जाए कहो, 200 हो जाए कहो, 100 हो जाए, उसी में मतलब आपको पूरा घर भर सब उसी में चलाते। क्या हम चाय पिए नहीं, बीड़ी पिए नहीं, सिगरेट, कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं, और बाजार का भी नहीं खाते। कम से कम में काम चल जाता है, अगर बाजार का खाएं तो 20 रुपए की सवेरे पूरी खा लेंगे, शाम को 20 रुपए की पूरी तो और कोई खा। आप कहाँ रहते हो? यहाँ जरीब चौकी पे रहते हैं। जरीब चौकी पे? और मतलब कितने से कितने बजे तक यहाँ करते हो आप ये काम? सवेरे 5 बजे आ गए थे साहब। सवेरे 5 बजे से? हाँ। और कब जाते हो यहाँ से आप? अब जाएंगे यहाँ 9 बजे के लगभग। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक? हाँ। और 100-150 रुपए आपको मिलता है? क्या करते हैं। और जो बगल में है उधर एक दुकान, हाँ। वो उसकी मिन इंडिया के दूध दूध की, हाँ। उसके बगल में जो है लगाता है वो कचौड़ी, तो 20 रुपए की कचौड़ी खाए थे बस। मतलब आपका डेली का यही खाना है 20 रुपए कचौड़ी? क्या कर दो, फिर शाम को जाएंगे तो घर पर खाना खाएंगे, घर वाली है। और आप कब से कर रहे हो ये? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको यही 5 से 9 बजे तक काम करते करते? कभी 10 बज जाता है, इधर बैठ जाते फिर गर्मियों में। जाड़े में तो बिल्कुल बंद रहा काम, बरसात में तो बंद ही हो जाता है,
बरसात में पानी यार था, कोई आया नहीं, यहाँ पानी भर आप बाहर ही बैठना है आपको बरसात हाँ, में बस कैसे यही बैठना है। प्रदीप श्रीवास्तव विकलांग के हैं, बड़ा वो नाम सुनाता हुआ जाते हैं, मतलब कुछ नहीं, मतलब कि आपके हाथ में भी दिक्कत है, आपके पैर में भी दिक्कत है, और आपका मतलब विकलांग का पेंशन भी नहीं मिलता आपको। सर्टिफिकेट तो बना है। आप यहाँ से मतलब आप यहाँ से 5 से 9 बजे तक काम करते हो और वही जो है 150-100 रुपए हाँ, इसी हाँ, में आपका घर चलाना हाँ, है। इसी से चलाते क्या करें बताइए, ज्यादा आमदनी हो तो वैसा काम करें। अभी हमने देखा, आपने हमको बुलाया और आपने बोला कि पैसे देने हो तो दे देना, नहीं तो ऐसे ही हम कोई तोल ले नहीं देना, तोल लो दे दो भैया, ठीक है नहीं दे रहे जाओ, कम देना कम दे दो, कम जो देना भी कम। जिसमें आप खुश हो हम कहते हैं उसमें हम खुश हो जाते हैं। एक चीज हमारा इसमें 16 रुपए की बैटरी 2 महीना चलना है, मैं बात समझ रहे, अगर आप कुछ नहीं देंगे नहीं किया और नहीं मन पाता तो आप दे देते हैं, कोई कोई 10-10, 5-5 रुपए दे देते हैं, नहीं तोल कर आते तब भी दे देते हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लोग मदद भी करते हैं। हाँ तो हमारे थोड़े पास आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये दादा हैं, मेहनत करते हैं, हाथ पैर से इतना नहीं है सक्षम, इनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, ये 5-5 रुपए में लोगों का वेट करते हैं, जो देता है ठीक है, जो नहीं देता है वो भी ठीक है, उसमें भी खुश है, इतने खुशी से काम करते हैं, और इनके पैर में भी दिक्कत है, ये कुछ और नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हो इनके हाथ में पूरा टूटा हुआ है, 3-4 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन नहीं ठीक हुआ, लेकिन इन्होंने हमसे यही बोला कि हम मांगते नहीं हैं, हम जो करते हैं मेहनत से करते हैं, मांगते नहीं हैं। और काफ़ी लोग हैं जो मदद भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हुई, कुछ नहीं कमाया, खूब पेट भर खाना खाते हो। अगर आप मतलब ऐसा इतनी यंग जनरेशन के होते हुए, इतने लोगों के होते हुए जो आज की मतलब आज की सोसाइटी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, और तब भी अगर आप भूखे सो तो फिर ये हमारे हम लोगों के लिए गलत होगा। भूखे नहीं सोते, भूखे तो नहीं सोते आप? नहीं नहीं, गलत बात क्यों बोले, वो मालिक देख रहा कि हम इनको खाने भर को तो दे देते हैं और ये फिर भी झूठ बोलते तो बहुत गुनाहगार है कि नहीं? अच्छा हाँ। आप बताइए, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम भूखे तो नहीं रहते नहीं। मतलब मालिक आपको मेहनत का फल तो देता है। बाकी दादा आप मतलब कैसे करते हो, आप इसमें 100-150 रुपए आपका मिलता है, 20 रुपए की कचौड़ी खाते हो सिर्फ, दिन में पूरा दिन 20 रुपए की कचौड़ी खाते हो? घर में जाके खाना बनाती है घरवाली तो उससे खाते हो। फिर आप 5 से 9 बजे तक हाँ। ये 5 से सुबह 5 से दोस्तों सुबह 5 बजे से अब जाड़ा आ गया है, अब जा मतलब 6 बजे भी आए, सुबह 5 या 6 बजे से 4 बजे से भी हाँ, गर्मियों में 4 बजे मतलब। चलो हमें दादा इस बात की खुशी है कि आप भूखे नहीं सोते हो, नहीं तो भूखे सोओगे तो हमें बड़ा दुख नहीं, होगा। नहीं नहीं नहीं, हम और, गलत बोले भाई। और गाइस इनके 4 बेटे थे, इनके घर में 4 बेटे थे जिनकी कुछ ट्रेजेडी की वजह से डेथ हो गई, वो हम नहीं बता सकते क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बाकी चीजें ये है, अभी जितना भी घर का जिम्मा है इनका और इनकी वाइफ का, लड़का हमारा हाँ आकाशवाणी के सामने जूस की दुकान लगाता था हाँ, और उसके गले की आवाज चली गई थी। आपका लड़का जूस की दुकान लगाता था और गले की आवाज चली गई, कैसे? तो बस मतलब उसका ऐसे ही ऑटोमेटिक। तो अभी आपके घर में कौन कौन है? हमारी जो है घरवाली है हाँ, और दो पोते हैं उसी के, जो बच्चा खत्म हो गया, जो खत्म हुआ उनके 2 पोते हैं, उनको भी आप ही को देखना पड़ता है हाँ, तो सब दोस्तों इनके घर में इनकी वाइफ हैं और 2 इनके पोते हैं, जो इनके बेटे थे उनकी डेथ हो गई किसी वजह से, और सबको इन्हीं को देखना है। 150 रुपीज़ 100 रुपीज़ इनकी इनकम है डेली की,
और डेली का इनका टाइम ये गर्मियों में सुबह 4 बजे आ जाते हैं, शाम को 9-9 बजे जाते हैं, 10 बज जाएगा हूँ। इतना लंबा टाइम तक ये मेहनत करते हैं और कुछ ये कर नहीं सकते क्योंकि हाथ में इनके प्रॉब्लम है, पैर में इनके प्रॉब्लम है, इनको इनके मतलब इनका शरीर इनका साथ नहीं देता, लेकिन ये अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है करने का। लाइक आप सोचो कोई बंदा 4 बजे सुबह जाए और वो 9 बजे मेहनत करके घर वापस आए, कितनी बड़ी बात होती है। आप दादा जितनी मेहनत करते हो, मतलब कि हमें ये बहुत अच्छा लगा, आपके हाथ में दिक्कत है, आप मेहनत कर रहे हो, आपने सबसे पहले हमको ये बोला कि आप एक बार आओ वज़न कराओ, आपके पास पैसे हो तो देना नहीं तो नहीं देना, हमें समझ में आया कि आपका मतलब कैसे चलता होगा ये सब। और आपने जैसे हमको बताया कि आप 4 बजे से इतनी मेहनत करते हो, हमें आपकी ये सब खुददारी बहुत अच्छी लगी कि आप मांगते नहीं हो किसी से, और ऊपर वाला आप मेहनत करते हो तो आपको मांग कर नहीं खाने देता है, पेट भर आपको दे देता है, लेकिन आप जो जिस तरीके से मेहनत करते हो, आपके घर में कोई नहीं है, आपके पोते हैं उनकी देखरेख आपको करनी है, घर वाली की देखरेख आपको करनी है, हाँ ये देखते हैं आपको, सब देखते हैं ना आपको मेहनत करते हो, आप हमेशा खुश रहते हो ना, लेकिन आपके चेहरे पे हमने बिल्कुल वैसा नहीं लगा कि हम लाचार हैं किसी तरीके से, हमेशा खुश रहते हो, ऐसे ही दादा खुश रहना, और हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। दादा ये 5,000 हैं अभी हमारी तरफ से। अरे से इतना तो आसान ना दो, हम कहाँ से चुका पाएंगे दादा, चुकाना नहीं है, आप रो मत, आपका कोई नहीं है बेटा, हम हैं दादा, हम आपके बेटे जैसे नहीं हैं, हम आपके बेटे जैसे हैं ना, आप रो मत। दिखाया आप रो मत, आप हंसते हुए हमको बहुत अच्छे लगे, आपने मेहनत की, इतना मेहनत करते हो आप, और ये आपको चुकाने नहीं है, हमारा फर्ज है आपके लिए करना, आपका हाथ नहीं चाहिए आपका। अब दादा ये हमारी तरफ से कुछ मदद है आपको, रोना नहीं है दादा, रोना नहीं दादा, नहीं 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 वो कुछ नहीं लेना, आप बस ये रखो, आप ये रखो पहले, आप रोना नहीं है आपको, आपको इससे खाना खाना अच्छा सा, हाँ मतलब हमें याद करके खाना, हम आपके घर आएंगे हमें भी खिलाना, गरीब चौकी पे है द्वारकापुरी बाजार में, हाँ 107/3 क्वार्टर नंबर 158, अभी तो हम निकल रहे थे तो हमने देखा आपको, हम आपके घर आएंगे और हम यहाँ आते रहेंगे, अभी तो मतलब हम इतना नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं आपने हमारे लिए तो बहुत ज्यादा किया, हम अब दादा एक बार आशीर्वाद, पर गले लगा लो, मेहनत करते रहना, हम लोग आते रहेंगे यहाँ, ठीक है देखने, और खुश रहना दादा हमेशा, जैसे आप हमेशा खुश मिले हमको अभी यहाँ हंसते हुए ऐसे ही, और कभी भी कोई दिक्कत हो हम आपका अपना नंबर देकर जाएंगे, हमको बताना, हम आपके ले लो आप, हाँ हम अभी आपको अपना भी देके जाएंगे, अपना भी लेंगे, और कभी भी अगर कोई दिक्कत हो हम आपके बेटे जैसे हैं, मतलब कि हम एक माध्यम है, बाकी मदद आपकी लोग कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं सब आप ही, कुछ मुख्य अतिथि जो बनते हैं उनके द्वारा काम होता है भाई, चलिए आपको वहां ले चलते हैं, नहीं नहीं हम अरे दादा नहीं नहीं कुछ अरे उसमें कुछ नहीं नहीं अब वहां चलो, इधर रखो अरे नहीं अरे इतना नहीं है ना, गिरेंगे ना कुछ होगा, बस हम ईमानदारी से छोड़ दिया, कोई बात हुए नहीं, हम लोग एक फाउंडेशन से आए हैं तो हेल्प करते हैं, इनका मतलब फीलिंग इतना सही नहीं है, लेकिन ये सुबह 4 बजे से 9 बजे तक यहाँ बैठते हैं। ये भी इसमें रखो बेटा, और ये आपने भी खाने वाला Thank you.
आज आराम से सोना और हमें बुलाना खाना खाने के लिए। जब ना कहे उस दिन बुलाने दे 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 तो रोज आइए साहब, आप ही का है। हाथ मत जोड़ो, नहीं वो क्या बोलते हैं, आप यहीं बैठते हो। हाँ हाँ, हम आपसे डेली मिल रहे हैं, हम आपको ढूंढ लेंगे, आप कहीं खत्म हो जाएगा टेम तो फिर यहाँ बैठे। हाथ तो आप नहीं बैठोगे ना, हाथ तो नहीं, हाथ तो नहीं, जब आपसे हमने वादा कर दिया है तो नहीं कर रहे। हाँ फिर डेली मिलने आएंगे दादा। बस दादा हिम्मत मत हारना, नहीं हम हिम्मत नहीं हार रहे, जैसे मेहनत करते हो करते रहना। हाँ। दादा चलो ठीक, हम चलते हैं, चलो भैया। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये बुजुर्ग इतनी एज होने के बावजूद इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक सुबह 4 बजे 5 बजे आना, रात को 9 बजे जाना, एक नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता इतनी मेहनत, लेकिन वो कर रहे हैं। उनकी फिजिक भी नहीं अच्छी है, तो उनके जज्बे को सैल्यूट है। और उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं, उनके बेटे थे वो भी एक्सपायर हो गए, उनके बेटे कोई नहीं है, उनके 2 पोते हैं, वो है उनकी वाइफ, और सबका उन्हीं को देखना पड़ता है, और वो सिर्फ यही काम करते हैं, वेट करना, लोग पैसे दिए नहीं दिए, कम किए उधार किए, ये सब उनकी लाइफ में चलता है। तो ये सीन था, हमें वो मिले और उन्होंने बड़ा हंस के हमको बुलाया कि आओ बेटा एक बार वेट करा लो पैसे, और उन्होंने हमसे बोला कि पैसे हो तो देना और नहीं हो तो ना देना, हम उसमें भी खुश हैं। तो दोस्तों इतनी एज होने के बावजूद कोई बंदा इतनी खुशी खुशी काम कर रहा है, किसी से मांग नहीं रहा है, आपने देखा जैसे कि वीडियो में, तो बस यही चाहते हैं आपसे भी कि अगर आपको भी कोई ऐसा बंदा दिखे, कोई भी ऐसा पर्सन दिखे जिसका जज्बा इतना अच्छा है, इतना उनके अंदर जज्बा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सुबह 4 बजे से 9 बजे तक, तो उनकी हेल्प जरूर करना। हम नहीं कह रहे इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई दिखे तो उसकी हेल्प जरूर कर देना। बाकी वीडियो देखते रहना, जो भी हुआ है आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।